गाइज यार, ओप्पो अपना अपकमिंग स्मार्टफोन ओप्पो फाइंड एक्स 8 बहुत ही जल्द इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाला है। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओप्पो फाइंड एक्स 8 का 5G स्पेसिफिकेशन क्या रहने वाला है, साथ ही साथ लॉन्च डेट क्या रहेगा और इसमें आपको कौन कौन से नए और कमाल के फीचर देखने को मिलेंगे। इन सभी के बारे में डिटेल्स में आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्मार्टफोन के लुक्स एंड डिज़ाइन की। तो लुक्स एंड डिज़ाइन आपको काफ़ी प्रीमियम सा फील होने वाला है। बैक साइड पर राउंड सर्कल में आपको कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल जाएंगे। 6.59 इंचेस की बड़ी सी एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। बेजल्स बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ यहां पर आपको डोल्बी विजन का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। एडिया 10 प्लस का सपोर्ट मिल जाता है। 1600 के नीट पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी और 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। बाकी पंच होल कटआउट के साथ डिस्प्ले आएगी। और कैमरा मॉड्यूल्स की बात करें तो 50 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल का आपको ट्रिपल कैमरा सपोर्ट देखने को मिल जाता है और 4K 30fps तक की वीडियो रिजोल्यूशन आप इजीली कर लोगे। 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा भी होगा। बाकी यहां पर आपको स्मार्टफोन का जो वेट होगा वो आपको काफ़ी कम देखने को मिलने वाला है, 193 ग्राम की होगी, यानी कि काफ़ी हल्का फील होने वाला है। इन हैंड फीलिंग आपको काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल जाता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी इसमें जो प्रोसेसर देखने को मिलेगा वो मीडियाटेक डायमेंसिटी 9400 का चिपसेट होगा। 3.63 GHz का ऑक्टा कोर वाला प्रोसेसर मिल जाता है, यानी कि परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ देखने को मिल जाएगी और 12GB तक का आपको रैम देखने को मिल जाएगा। बाकी 256GB तक की मेन मेमोरी देखने को मिल जाती है। ओवरऑल दोस्तों मुझे ये स्मार्टफोन स्टोरेज वाइज काफ़ी तगड़ा लगा। बाकी जो प्राइस होगा ना स्मार्टफोन का काफ़ी ज़्यादा हाई है, उसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। बाकी यहाँ पर आपको 5G का सपोर्ट मिल जाता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 देखने को मिल जाएगा, USB टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाता है और IR ब्लास्टर भी देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल दोस्तों बात की जाए बैटरी लाइफ की तो 5630 mAh की बड़ी सी बैटरी देखने को मिलेगी और 80W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को भी मिल जाता है। वहीं रिवर्स चार्जिंग की बात की जाए तो यहाँ पर आपको रिवर्स चार्जिंग देखने को मिल जाएगा और 50W का आपको मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के प्राइस और लॉन्च डेट की। तो स्मार्टफोन का जो लॉन्च डेट होने वाला है वो लगभग 21 सितंबर का आपको देखने को मिल सकता है। वहीं अगर प्राइस की बात करूँ तो लगभग ये स्मार्टफोन 45 से 50 हज़ार रुपये के बीच देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों मुझे प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा लगा। बाकी ये फ्लेक्सी स्मार्टफोन होने वाला है, आपको स्मार्टफोन का प्राइस कितना तक आपके लिए अवेलेबल होना चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।